Good morning guys, here is the fourth video session of Word Power Made Easy. A very good morning to all of you and welcome. See, the last three sessions have been very successful, लेकिन आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं. उससे होता क्या है कि आप सब्सक्राइब तो किया चैनल को, लेकिन आपने जब उसको शेयर नहीं किया तो मैं आपका नाम नहीं देख पा रहा. सो प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ अमॉन्ग द फ्रेंड्स सो दैट मैं आपका नाम देख सकूँ और जान सकूँ को किन किन को ये वीडियो पसंद आ रहा है. इफ़ यू शेयर द वीडियोज़, इफ़ यू सब्सक्राइब एंड देन शेयर द वीडियोज़, आई विल बी एबल टू नो हु आर द पीपल हु हैव शेयर्ड दिस, हु आर द पीपल हु हैव सब्सक्राइब्ड दिस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इन फ्यूचर इफ दे गिव मी एनी सजेशंस आई विल मेक सम करेक्शंस और इम्प्रूवमेंट according to the suggestions of my regular viewers. So this is a request that please share these videos with your friends so that many of your friends can get the benefit of this series. So without any further delay, we are going to start this new video. It's actually the revision of the first two sessions. The third session, the video 3, was just uploaded yesterday. So we are going to just revise the first and the second videos so that revision to banta hai boss. Hamesha kabhi na kabhi aapko revision to karna hi hota hai. Exam se pehle aapko revision karna hi hoga. Ek baar mein to kuch bhi yaad nahi hota. Hamesha revise karo. Aap kitni baar bhi samajh lo kisi cheez ko, revision to banta hai. So revise karte hain first or two. ये हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस पर. लेट्स स्टार्ट. सो वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लिविस, रिवीजन ऑफ 1 एंड 2. आप इसके आंसर्स खुद दे सकते हैं. ये जो क्वेश्चन सीरीज़ मैंने बनाया है, इसके आंसर्स आपको खुद फिलअप करने हैं. मैं ये वीडियो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं. मैं आपको परमिशन भी दे दूंगा, व्यू एक्सेस दे दूंगा. आप फिल इन द ब्लैंक खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं. ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा. दिस वीडियो विल बी अवेलेबल टू यू ऑल, सो यू विल बी एबल टू फिल दीज आंसर्स योरसेल्फ. तो चले शुरू करते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पर्सन हु, तो पर्सन हु से स्टार्ट होगा क्वेश्चन. मैक्सिमम क्वेश्चंस स्टार्ट विद पर्सन हु एंड देन वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. सो लेट्स फिल इन द क्वेश्चंस योरसेल्फ. ओके, आई विल try to confuse you in between, so please do not get confused, or let's start it. Person who talks about himself or herself, वो व्यक्ति जो अपने बारे में बात करता है हमेशा, वो कौन है? पहले बताइए, what is the root word of himself, herself या myself? मेरा root word क्या होगा? My, तो ego, right? Ego. और जो बात करता है वो क्या है? Who is a person who talks about himself? Egoist? नहीं भैया, egoist नहीं, egotist. जो बात करे वो टिस्ट, egotist. जो सिर्फ सोचे अपने बारे में, egoist. Whose world is centered around himself, herself? देखिए, मैं ये वीडियो जो बनाऊँगा उसमें आप लोगों के लिए कॉपी भी बना दूंगा, जिससे होगा क्या कि आप लोग आराम से ये वीडियो विदाउट द आंसर्स पा सकेंगे. ठीक है, एक मिनट. चलिए, हूज वर्ल्ड इज सेंटर्ड अराउंड हिमसेल्फ हरसेल्फ, उसकी पूरी दुनिया ही उसके इर्द गिर्द घूमती है, वो कौन है? Egocentric, करेक्ट. अच्छा, लव का रूट वर्ड क्या होगा? लव का रूट वर्ड फिल, राइट? तो फिल. और पीपल को लव करता है, पीपल का रूट वर्ड क्या होगा? एंथ्रो, एंथ्रोपो, राइट? तो फिल एंथ्रो, करेक्ट है. ठीक है, फिल एंथ्रो, ठीक है. स्पेलिंग, द
वो व्यक्ति जो खुद को लव करता हो, सॉरी पीपल से प्यार करता हो, वो है फिलैंथ्रोप। अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ लव्स द पीपल इज फिलैंथ्रोप। अच्छा, हेट का रूट वर्ड फॉर हेट इज मिस, राइट? मिस। और पीपल को हेट करता है तो एंथ्रोप लग जाएगा, मिस एंथ्रोप। हेल्प्स पीपल, हेल्प्स पीपल किसको हेल्प करता है? हेल्प्स अदर पीपल, अदर, अदर का रूट वर्ड ऑल, राइट? तो क्या हो जाएगा? ऑल्ट्रुइस्ट। डज नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, जो अपने फीलिंग्स को दबा के रखता है, इंट्रोवर्ट, अपने अंदर दबा के रखता है, इंट्रोवर्ट। एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता है, वो अपनी भावनाओं को जाहिर करता है, बाहर निकालता है, एक्सट्रोवर्ट। मिक्स ऑफ 7 और 8, मतलब जो कभी इंट्रोवर्ट है कभी एक्सट्रोवर्ट है, एम बी। इसमें जो रूट वर्ड एम बी है वो, उसका मतलब, वॉट इज द मीनिंग ऑफ रूट वर्ड एम बी? टू, करेक्ट। सो रूट वर्ड फॉर पीपल इज, हम लोगों ने खुद देख लिया अभी, बोलो भाई क्या होगा? एंथ्रोप। लव्स पीपल, फिलैंथ्रोप। हेट्स पीपल, क्या? मिसैंथ्रोप। लव्स मैरिज, लव का तो हमको फुल, आपको रूट वर्ड पता है, वी नो द रूट वर्ड फॉर लव। व्हाट इज द रूट वर्ड फॉर मैरिज? करेक्ट, गैमोस। तो हमें क्या चाहिए? अ पीपल, अ पर्सन हु लव्स मैरिज, तो फिलोगैमस पर्सन। सही है, ठीक है। हेट्स मैरिज, मिसोगैमस पर्सन। ठीक है, हेट्स वुमेन, बोलो। हेट का तो पता चल गया, मिस। वुमेन का गाइनी, तो मिसोगाइनस। रूट वर्ड फॉर मेल, मेल का रूट वर्ड याद करो। अरे भैया सर, ये तो बताया था आपने लेकिन अब याद नहीं है, क्या होगा इसका रूट वर्ड फॉर मेल? मेल का रूट वर्ड एंड्रो या फिर एंडर। एंडर इज द रूट वर्ड फॉर मेल। तो देखिए, जो लव्स मैन, वो व्यक्ति जो आदमियों से प्यार करता है, क्या होगा? फिलैंडर, PHILANDER, फिलैंडर। लव एंडर, फिलैंडर पर्सन, फिलैंडर उसका कहते हैं। हैज मेनी फीमेल पार्टनर्स, क्या होगा? पॉलीगाइनस पर्सन। हैज मेनी मेल पार्टनर्स, पॉली, मेनी का तो पॉली होगा, एंड्रस। हैज रिनाउंस द वर्ल्डली प्लेजर्स, वो अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं को त्याग चुका है। बताओ भाई, ये वर्ड तो सर अभी तक किसी रूट वर्ड में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये वर्ड हमने पहले सेशन में ही देखा था। वी सॉ दिस वर्ड इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ। व्हाट इज द रूट वर्ड, व्हाट इज द वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? एसेटिक, एसेटिक इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, एसेटिक। मैड अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ, बोलो। ईगो एंड देन वॉट? करेक्ट, मेनिया, ईगो मेनिया। रूट वर्ड फॉर अदर, व्हाट इज द रूट वर्ड फॉर अदर? अन्य, अन्य के लिए रूट वर्ड क्या हम लोग इस्तेमाल किए थे? अल, अल, अल इज द रूट वर्ड फॉर अदर।
ठीक है, चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर एंड देन बैक एंड सो ऑन, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, फिर वापस पहले स्टेट में आता है, फिर दूसरे स्टेट में जाता है, फिर पहले स्टेट में आता है, इसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिंग। या फिर अल्टरनेट, ठीक है। अब देखो चॉइस है हमारे पास, दूसरी चॉइस, दूसरा ऑप्शन, तो अल्टरनेटिव। सब में ऑल वर्ड यूज हो रहा है, जिसका मतलब होता है ऑल, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल, अदर। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर आर्ग्यूमेंट? अल्टरकेशन। टू रूट वर्ड्स फॉर राइट हैंड, व्हाट इज द, व्हाट आर द टू रूट वर्ड्स फॉर राइट हैंड, बताओ भाई, याद है? चलो बताता हूँ, डेक्स्टर और क्या, ड्राइट, याद आया? अब जो दोनों हाथों से अच्छे से लिखता है उसे क्या कहेंगे भाई? अच्छा, डेक्स्टर का तो हो गया हैंड, उसका मतलब भी होता है स्किल, और टू हैंड्स, बोथ हैंड्स, तो उसका रूट वर्ड क्या होगा? एम्बी, तो हो गया वर्ड एम्बी डेक्स्ट्रस। टू रूट वर्ड्स फॉर लेफ्ट हैंड, अरे सर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने दिन पहले पढ़ा था? अरे यार 3 दिन पहले पढ़ा था, 4 दिन पहले पढ़ा था, इतना क्या परेशान होना है। चलो टू रूट वर्ड्स फॉर लेफ्ट हैंड क्या होगा? चलो एक तो मैं ही दे देता हूँ सिन, दूसरा क्या होगा? फ्रेंच वर्ड है एक, जी से स्टार्ट होता है, याद आया? गौशे। अच्छा, ऑकवर्ड सिचुएशन को गौशे सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। और ड्राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइट? ड्राइट देखो, ड्राइट का मतलब होता है राइट हैंड, ठीक है, तो ड्राइट का मतलब क्या होगा? स्किल। ड्राइट का मतलब राइट हैंड नहीं होगा इंग्लिश में, ड्राइट का मतलब होगा स्किल। जो अड्राइट पर्सन है वो कैसा पर्सन है? स्किलफुल पर्सन है, या स्किल्ड पर्सन है। अब देखो स्टडी ऑफ ह्यूमंस, तो हम लोग ने देखा कि ह्यूमंस के लिए, पीपल के लिए हम लोग क्या रूट वर्ड यूज करते हैं, व्हाट इज द रूट वर्ड फॉर ह्यूमंस? एंथ्रोप। अब स्टडी ऑफ ह्यूमंस है तो क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी होगा। वन मैरिज मोनो गैमी मतलब मैरिज, मोनोगैमी। टू मैरिज बाईगैमी, मैनी मैरिज पॉलीगैमी। देख रहे हैं आप, मुझे विश्वास है कि आप लोग ये वर्ड आंसर्स जल्दी जल्दी दे रहे होंगे, क्योंकि ये उतने हार्ड वर्ड्स हैं नहीं। हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे, जैसे कि हम लोग साइंस को लेने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, हम लोग साइंस के कुछ वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। सो डज मल्टीपल, देखो अब हम लोग आ गए, तो फर्स्ट सेशन का हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया यहाँ तक भैया, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डू सम वर्ड्स रिलेटेड टू साइंस, एंड हियर इज द एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन रिवीजन। सेकेंड सेशन का रिवीजन कर लेते हैं। डॉक्टर या प्रैक्टिशनर होते हैं ये लोग, और हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे। डज मल्टीपल चेकअप्स ऑफ योर बॉडी, ये आंसर तो आप ही दीजिएगा, मैं नहीं दूंगा, छोड़ देता हूँ मैं आपके लिए। इतना हिंट दे देता हूँ कि ये हमारे इंटरनल चेकअप्स करते हैं, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स का एक जायज़ा लेते हैं थ्रू मल्टीपल चेकअप्स लाइक BP एक्सेट्रा। हाँ वर्ड तो आ गया होगा अब तक, मैं नहीं आंसर करने वाला भैया, आप लोग खुद देख लीजिएगा। ट्रीट्स फीमेल पेशेंट्स, गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। रूट वर्ड फॉर हीलिंग, हीलिंग के लिए रूट वर्ड क्या होगा? बोलो भाई, इतनी बार पढ़ चुका हूँ, इतनी बार बता चुका हूँ, ठीक है। आई ट्री,
अब रूट वर्ड फॉर चाइल्ड क्या होगा सर? कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, पेड, पेड इज द रूट वर्ड फॉर चाइल्ड, ठीक है। अब रूट वर्ड फॉर स्किन क्या होगा? दरमा, पक्का। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ किडनी, सर बायोलॉजी से पूछ रहे हैं आप सवाल, कोई बात नहीं भाई, पूछ ही रहा हूँ, इंग्लिश में एक तो वर्ड है, चलो ठीक है। नेफ्रो, नेफ्रो याद आया, ट्रीट्स किडनी एलिमेंट, अब तो पता चल गया सर। नेफ्रोलॉजिस्ट, ये तो आंसर हो गया, नेफ्रो बता दिया तो लॉजिस्ट लगा दिया आगे हमने। ट्रीट्स हार्ट डिजीजेस, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, कार्डियो इज द रूट वर्ड फॉर हार्ट एंड लॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, जो हार्ट के बारे में जानता है या उसको ट्रीटमेंट देता है। वी हैव गॉट आवरसेल्फ कार्डियोलॉजिस्ट। रूट वर्ड फॉर नर्व, न्यूरो, पक्का। रूट वर्ड फॉर माइंड, माइंड का रूट वर्ड, रूट वर्ड्स याद कर लेना है आपको, तो आप बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ही समझ जाएंगे कि वो क्या कह रहा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द रूट वर्ड्स वेल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड इटसेल्फ, एनी वर्ड्स दैट आर इंटरकनेक्टेड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देम योरसेल्फ। ओके, सिनोनिम्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट, सिनोनिम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट तो बता दिया सर, अब क्या होगा? साइकाइट्रिस्ट होगा, ठीक है। और बोलो, कल ही बताया था, वीडियो वीडियो सेशन 3 में मैंने इसके बारे में बात की थी सर, रिवीजन वीडियो सेशन 1 और 2 का है ना, कोई बात नहीं, सेशन 3 तो कल ही हुआ था, वी जस्ट लर्न द सेशन 3 यस्टरडे, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू गिव द आंसर फॉर दिस। ओके, आई विल गिव यू अ हिंट, दे एनालाइज आवर माइंड्स, what do they do, they analyze our minds, ठीक है। We have got our answer sir, psycho analyst, what is an obstetrician, I will not give the answer for this, I'm not going to give the answer for this, obstetrician you will have to answer this yourself, आप एक काम कीजिए, please write your answers for the word what is an obstetrician in the comments। ओके, सिनोनिम फॉर अ टीचर, 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 दे टीच होम, टीचर विल टीच स्टूडेंट्स और दे विल टीच चिल्ड्रन, टीचर्स किसको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं? तो सर बच्चों के टीचर को तो पेट कहेंगे, अब उसके आगे लीडर लगेगा, पेडागोग हो गया, पेडा हो, पेडा PEDAGOGOE, pedagogue, root word for leader, अभी से बात किया, what is the root word for leader, go, misleader of people, क्या होगा, demo, go, what is the root word for word, root word packy mean, what is the meaning of the root word packy, thick, thick, mota, acha, make a root word, make a word containing the root word packy, ab to bana loge aap, pakka hai na, kya hoga, pachyderm, I'm not going to give you the meaning of pachyderm because you all know that, what does the an ophthalmologist do, what does an ophthalmologist do, what does an optometrist do, what does an optician do, iske answers main de deta hu, what does an ophthalmologist do, treats eye infections, diseases, defects and operates them, ठीक है।
What does an ophthalmologist do? They treat eye infections, diseases, defects and even operates them. वो operations भी करते हैं. अच्छा, optometrist का क्या क्या होता है? What is the work of an optometrist? They measure the defect in eyesight. ठीक है, आँखों में कितना डिफेक्ट है वो मेजर करते हैं. आपकी आँखें कितनी कमज़ोर हैं वो लोग मेजर करते हैं. मेट्रिक से आया मेजर, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट. ठीक है, व्हाट डज एन ऑप्टिशियन डू? मेक्स ग्लासेस ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑप्टोमेट्रिस्ट. ठीक है, अब देखिए हाथों से लिखे हुए किताब को क्या कहेंगे? हाथों से लिखे हुए पुस्तक को क्या कहेंगे? हाथों का रूट वर्ड, व्हाट इज द रूट वर्ड फॉर हैंड? हैंड इज मैनुअल, तो मैन्यू. एंड राइटिंग स्क्रिप्ट. ठीक है, रूट वर्ड फॉर पेन, रूट वर्ड फॉर पेन सर अल्जिया. टू वर्ड्स विद रूट वर्ड फॉर पेन हम बोलोगे. नर्व के पेन को न्यूरालजिया. अब घर की याद आ रही है किसी को? व्हाट इज द रूट वर्ड फॉर द पेन यू फील व्हेन यू ट्राई टू रिमेम्बर योर होम और योर ओल्ड डेज? वो भी आंसर होता है. नॉस्टैल्जिया? नहीं, नॉस्टैल्जिया. रूट वर्ड्स क्या हो गया? नॉस्ट या नेस्ट, मतलब होम. व्हाट इज न्यूराइटिस? इसका आंसर बताओ. स्वेलिंग ऑफ नर्व्स. ये एक तरह की बीमारी है, स्वेलिंग ऑफ द नर्व एंड्स. ठीक है, टू रूट वर्ड्स विद द टू वर्ड्स विद द रूट वर्ड आइटिस. टू दो तरह के स्वेलिंग बतानी है आपको. प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स. ये आपको कमेंट्स में लिखना है. न्यूराइटिस तो हम लोगों ने लिख लिया, अब क्या? आर्थराइटिस. ठीक है, रूट वर्ड फॉर बोन्स. बोन्स का रूट वर्ड हिंदी में अस्थि. व्हाट इज द रूट वर्ड फॉर बोन? ऑस्टि. ऑस्टियो. ऑस्टे. मीनिंग ऑफ न्यूरोसिस क्या? मीनिंग ऑफ न्यूरोसिस आप लोग पीछे के डॉक्यूमेंट्स में जाइएगा या पीछे के वीडियोस में देखिएगा और न्यूरोसिस का मतलब कमेंट्स में लिखिएगा. ऐसे छोड़िए, ये ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा. न्यूरोसिस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ. इट्स काइंड ऑफ नर्व इलनेस या फिर डिप्रेशन. ठीक है, याद आया? ये एक्चुअल बीमारी नहीं है, दिस इज ओनली डिप्रेशन. लेकिन न्यूरोसिस इसीलिए कहा गया कि है क्योंकि ये नर्वस इलनेस है. फोर वर्ड्स विद द रूट वर्ड जर. आई गिव यू वन मिनट. आप लोगों ने पॉज कर लिया, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सोचिए क्या वर्ड्स होंगे. चलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा. बूढ़े लोगों के बीमारियों का जो ट्रीटमेंट करता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु ट्रीट्स इलनेसेस ऑफ ओल्ड पीपल? ठीक है, देखिए
आपने क्या ये लिखा? ठीक है, वेरी गुड, चरियात दोस्तों। ओके, जो बूढ़े लोगों की बीमारी के बारे में पढ़ता है, ठीक है, अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट द डिजीजेस ऑफ ओल्ड पीपल, जेरंटोलॉजिस्ट। जेरंटोलॉजिस्ट, ठीक है, ओके। फिर और वर्ड बताइए। जर्म, व्हाट इज जर्म? इंफेक्शियस पैथोजेंस, राइट? यू रिमेंबर इंफेक्शियस पैथोजेंस? ठीक है, जर्म है, जर्म है। एक और वर्ड है, वो भी बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। देयर इज अनदर वर्ड दैट इज रिलेटेड टू द ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू अ प्लांट। ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू अ प्लांट, बीज के पौधे बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन, ठीक है, याद आया? अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड सेशन का रिवीजन तो हो गया, लेकिन आई विल अपलोड दिस वीडियो एज वेल एज द डॉक्यूमेंट, एंड जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दूंगा वो ब्लैंक होंगे, या फिर द आंसर्स विल नॉट बी रिटन इन द डॉक्यूमेंट विच आई एम गोइंग टू अपलोड फॉर यू गाइज। सो प्लीज़ डू डाउनलोड दोज डॉक्यूमेंट्स इफ यू वॉन्ट टू रिवाइज, एंड देन यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स योर सेल्फ और यू कैन आंसर देम योर सेल्फ। और प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि अनलेस यू शेयर आई विल नॉट बी एबल टू सी योर नेम्स। एंड थैंक यू फॉर योर कॉमेंट्स शिव कुमार एंड कुंदन, एंड आप लोगों का नाम भी इसमें लिया जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स देंगे। प्लस प्लीज़ शेयर, इसको शेयर कीजिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच, और शेयर कीजिए मतलब फेसबुक पे अपडेट कीजिए, ट्विटर पे अपडेट कीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। प्लीज़ अपलोड इट ऑन योर फेसबुक, शेयर इट ऑन योर फेसबुक, सो दैट मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गेट बेनिफिटेड बाई दिस। सो थैंक यू, हैव अ गुड वन। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साइंस फील्ड्स। हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में साइंस फील्ड्स के बारे में जानेंगे। Thank you. Bye-bye.